हे जनता, कैसे हो यार आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग मस्त होंगे और मजे में होंगे। तो फिर से आ गया आपके लिए एक जबरदस्त जबरदस्त एआई टूल। इस एआई टूल के मदद से आप एक इमेज जनरेट करना चाहते हो वो भी सिंपल इमेज जनरेट कर सकते हो। फिर आप एआई कोई भी प्रॉम्प्ट जनरेट करना चाहते हो, कोई भी इमेज जनरेट करना चाहते हो वो भी सिंपल में जनरेट कर सकते हो। फिर आप इमेज फोटो जनरेट करना चाहते हो वो भी सिंपल में जनरेट कर सकते हो। फिर आप इस टूल के मदद से आप इमेज स्टोरी भी जनरेट कर सकते हो सिंपल में वन क्लिक में। क्या आप भी जानने के लिए इंटरेस्टेड हो वो एआई टूल कौन सा और किस तरह से यूज करते हो? तो आगे बढ़ने से पहले उस एआई टूल का नाम जान लीजिए। एआई टूल का नाम है comic.ai। इस टूल के मदद से ये काम सब कुछ वन क्लिक में आसानी में जनरेट कर सकते हो। फिर प्लस आप डाउनलोड भी कर सकते हो वो भी फ्री में। जानने के लिए इंटरेस्टेड हो comic.ai टूल के बारे में तो ये वीडियो बिना स्किप किए एंड तक देखिए। तो आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम जान लीजिए। मेरा नाम है सगर, आप सभी का स्वागत है CPS टेक्निकल में। आपको वीडियो पूरा वॉच करना है तो नीचे लिंक है, लिंक पे क्लिक करके पूरा वीडियो वॉच कर सकते हो। तो चलिए आज जानते हैं कि कॉमिक एआई टूल के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, फिर आप उसको किस तरह से यूज करते हो वो भी जानेंगे। तो चलिए बिना टाइम गए हुए स्टार्ट करते हो आज का टॉपिक। दोस्तों मेरा मोबाइल स्क्रीन देख सकते हो, आने बाद आपके पास जो भी ब्राउजर है सिंपल में इस ब्राउजर को ओपन कीजिए। देख सकते हो मेरे पास क्रोम ब्राउजर है। क्रोम ब्राउजर में आने के बाद सर्च बार में comic.ai टाइप करके सर्च कीजिए। तो आपके हिसाब से कॉमिक टाइप किया तो भी आता है। देख सकते हो टाइप करके आने के बाद देख सकते हो फर्स्ट नंबर टूल आपको इधर शो होता रहेगा। सिंपल में इस टूल पर क्लिक कीजिए। इस टूल पर क्लिक करने के बाद आप डेस्कटॉप मोड ऑन कीजिए या आप नॉर्मल मोड भी यूज़ कर सकते हो। देख सकते हो गाइस इस स्टोरी भी जनरेट कर सकते हो। फिर आपके जैसा चाहिए वैसा प्रॉम्प्ट देकर फोटो जनरेट कर सकते हो। देख सकते हो आपके हिसाब से जैसा चाहिए वैसा आप इमेज भी जनरेट करना चाहते हो वो भी जनरेट कर सकते हो, या आप वर्किंग भी कोई भी वीडियो बनाना चाहते हो वो भी बना सकते हो। लेकिन आपको वीडियो नहीं मिलेगा, आपको फोटो ही मिलेगा, आपको यही इस टूल में देखने के लिए मिलेगा। तो आप इसका अंदर जो भी आप बनाना चाहते हो तो आपको ये वीडियो बिना स्किप के एंड तक देखना बहुत ही जरूरी है। अगर नहीं चाहिए या आप यूज़ नहीं करना चाहते तो आप इधर से वीडियो बैक कर सकते हो। तो चलिए आगे प्रोसेस जानते हैं। देख सकते हो इधर एक ऑप्शन देखने मिले, इस ऑप्शन पर सिंपल में क्लिक कीजिए। ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप जीमेल आईडी से साइनिंग अप करने के लिए यह टूल पूछता है। सिंपल में आप जीमेल आईडी से साइनिंग कर देख सकते हो इस तरह से आ गया। तो सिंपल में इस तरह का इमेज भी जनरेट कर सकते हो। देख सकते हो आने पर इस तरह से इसका होम पेज है। आने पर देख सकते हो आपको फर्स्ट नंबर आपको इधर क्रिएट देखने को मिलेगा। देख सकते हो आपको जूम इन करके आपको देख सकते हो इधर आपको डेली का इतना कॉइन्स मिलता है, क्रेडिट बोल सकते हो, कॉइन्स बोल सकते हो। तो आपके हिसाब से जो चाहिए वो बोल सकते हो। आपके पास इतना बैलेंस अभी अवेलेबल कॉइन्स है तो सिंपल में आप देख सकते हो। देख सकते हो टोटली आपके पास इतना कॉइन है, कॉइन बोल सकते हो या क्रेडिट्स बोल सकते हो। सिंपल में आप जो भी बोलना चाहते हो बोल सकते हो। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इमेज जनरेट करके बताएंगे कि किस तरह से इमेज जनरेट होता है। तो सिंपल में देख सकते हो इधर एक ऑप्शन देखने में, इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। इस ऑप्शन पर क्लिक करने में देख सकते हो गाइस आप जैसा आप स्क्रिप्ट लिखना चाहते हो या स्टोरी लिखना चाहते हो, आपको एक स्टोरी का इमेज चाहिए तो सिंपल में आप इधर स्टोरी जो भी चाहिए आप सिंपल में स्टोरी ऐड कीजिए तो आपको एक हिसाब से आपको स्टोरी देखने को मिलेगा। सिंपल में आपको स्टोरी लिखना नहीं आता तो कोई नहीं आता तो आपको क्या लिखूँ पता नहीं चल रहा, सिंपल में आप एआई की मदद भी ले सकते हो। तो सिंपल में एआई ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। एआई ऑप्शन पर क्लिक करने में आप आपके मन में जो भी चल रहा है तो दो लाइन का या एक लाइन का आप सिंपल में आपके सबसे जो चाहिए सिंपल में आप टाइप कीजिए तो आपको एक इमेज जनरेट करके स्टोरी जनरेट करके देता। देख सकते हो गाइस मैं वो सब यूट्यूब हटा दिया, देख सकते हो इस तरह से मैं लिख दिया। लिखने के बाद ही आपको एक स्टोरी लिख कर दिया। तो आपके हिसाब से जो आप लिखना चाहते हो उसको सही तरीके से लिखिए तो तभी आपको ये जनरेट करके देगा, लेकिन थोड़ा समय लेगा तो आपको जनरेट करके देगा। तो मान लीजिए मैं पूरा कॉपी करना चाहते हो स्क्रिप्ट को तो पूरा ऑल कॉपी कर सकते हो, या आपको जितना चाहिए उतना आप कॉपी कर सकते हो। तो आपको इस हिसाब से आप यूज़ करना चाहते हो वो भी यूज़ कर सकते हो। तो आने पर देख सकते हो इस ऑप्शन पर सिंपल में क्लिक कीजिए। ऐड कंटेंट पर क्लिक करने के बाद आपको जो भी आप उधर टेक्स्ट लियो तो आप इस टेक्स्ट को इधर कॉपी कीजिए। चाहे आपके पास टेक्स्ट है पीडीएफ फाइल में तो वो भी आप इधर से ऐड करना चाहते हो वो भी ऐड कर सकते हो। आपको ये भी ऑप्शन अच्छे तरीके से मिलेगा। तो होने के बाद कुछ नहीं बाद आपके सब सेलेक्ट कीजिए। होने के बाद सिंपल में इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। नेक्स्ट ऑप्शन पर सिंपल में क्लिक कीजिए। देख सकते हो नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके हिसाब से देख सकते हो आप जो लिखे हो उस हिसाब से आपको देख सकते हो इधर इमेज आपको देखने मिले। सिंपल में आपको जूम इन करके बताता हूँ। देख सकते हो जूम आउट करके बताने के बाद देख सकते हो इस तरह से आप सब आपका नाम के हिसाब से नाम के साथ आपको देखने मिलेगा सब कुछ इमेज जो जो आप टाइप किए उस हिसाब से आपको एक इमेज जनरेट करके देगा। तो आपको ये इमेज लेना है तो ये इमेज ले सकते हो, चाहे ये लेना चाहते हो ये भी ले सकते हो। तो आप इस
आपको फिर इमेज चेंज करना चाहते हो, सिंपल में आपको जो भी लिखना चाहते हो उसको आप चेंज कर सकते हो। आप इधर जो भी है इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, मान लीजिए इसको मेरे को चेंज करना है, इस इमेज को मेरे को पसंद है, तो सिंपल में सब हटा सकते हो। आपको जैसा चाहिए वैसा आप इधर प्रॉम्प्ट दे सकते हो, फिर वो इमेज हट कर आता है। तो आप मैं कोई भी हटाता नहीं, हाँ तो आप सिंपल में आप इसको हटाना चाहते हो या चेंज करना चाहते हो आप इधर टाइप कीजिए जो भी आप चेंज करना चाहते हो, होने बाद इस ऑप्शन पर क्लिक करें तो आपको जनरेट करके चेंज करके देता है। तो मैं आपको डेमो के लिए बता देता हूँ, तो आप फिलहाल के लिए अपने को जैसा चाहिए वैसा आपको रहने दो। तो आप चेंज करना चाहते हो वो भी चेंज कर सकते हो, या नाम चेंज करना चाहते हो वो भी कर सकते हो करके, तो आपके हिसाब से सेलेक्ट कीजिए। होने बाद नेक्स्ट ऑप्शन पर सिंपल में क्लिक कीजिए। देख सकते हो इस तरह से आ गए। आने के बाद देख सकते हो आप इधर आपको पार्ट देखने को मिलेगा, वन पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, पार्ट बोल सकते हो या आप इधर कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन आपके सबसे जो बोलना चाहते हो बोल सकते हो। देख सकते हो पार्ट आ गए। आने के बाद आपको इस इधर जो भी प्रॉम्प्ट है सिंपल में दे सकते हो, देने के बाद आपको इमेज आता है। तो सिंपल में आप मैं सब कुछ इधर हटाता हूँ, हटाने के बाद मैं मेरे हिसाब से प्रॉम्प्ट देता हूँ, तो देखेंगे सही तरीके से काम करता है या नहीं। तो जो भी मैं कॉपी किया था इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो इस सिंपल में देख सकते हो इस ऑप्शन पर सिंपल में क्लिक करता हूँ। इस ऑप्शन पर क्लिक करने में देखेंगे कि सही तरीके से काम करके ओपन करके देता है या नहीं, थोड़ा देखेंगे। देख सकते हो इस तरह से आ गया, मतलब ये सब फोटो, मतलब आप इधर जो भी लिखे रहते हो उस हिसाब से सब ऐड करके ये फोटो बना कर देगा। फिर आप दूसरा स्टोरी ऐड कीजिए, उस स्टोरी के हिसाब से आपको नेक्स्ट पेज में इमेज जनरेट करके देगा। तो आपके हिसाब से इस इमेज को आपको पसंद है कि इस तरह से बेटर, तो आपको देख सकते हो इधर इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। इस ऑप्शन पर क्लिक करने में देख सकते हो आप इधर जो भी ऑप्शन क्लिक करेंगे उसको आप कन्वर्ट करके देगा। सिंपल में आपको मैं अभी ये ऑप्शन सेलेक्ट किया, उन्हें बस फिर इस ऑप्शन पर सिंपल में क्लिक करता हूँ। देख सकते हो उस ऑप्शन पर क्लिक करने में देखेंगे कि सही तरीके से जनरेट करके देता है नहीं। देख सकते हो मैं इधर एक्शन चेंज किया तो सिंपल में वो भी फोटो चेंज हो गया। तो आप इस तरह से जनरेट करना चाहते हो जनरेट कर सकते हो, या आपको सेकंड पार्ट में चाहिए तो मान लीजिए मेरे को अभी ये पार्ट का यही फोटो रहना चाहिए, तो तुमको सेकंड पार्ट का चाहिए तो सिंपल में सेकंड पार्ट पे क्लिक कीजिए। सेकंड पार्ट पे क्लिक करके आप जो भी इधर प्रॉम्प्ट देंगे उस हिसाब से आपको फोटो जनरेट करके देगा। फिर आपके पास जो भी आपके पास कोई भी पर्टिकुलर फोटो है आपके गैलरी में, तो आप वो पर्टिकुलर फोटो भी ले सकते हो, लेकिन आपको उसके लिए प्रीमियम लेना पड़ता है। तो देख सकते हो गाइस इधर आपको इतना सारा आपके हिसाब से सेलेक्ट कीजिए, तो आप डिलीट करना चाहते हो वो भी डिलीट कर सकते हो। तो गाइस आपके हिसाब से सेलेक्ट कीजिए, होने वजह से तो इधर फोटो आपको देखने मिले, जो भी आप जनरेट किए वो भी आप ऐड करना चाहते हो वो भी ऐड कर सकते हो। बाद में देख सकते हो आपको क्रेडिट देखने मिले, कितना क्रेडिट था अभी तक, कॉइन्स था वो कितना माइनस हो गया, तो आपको इधर प्रोफाइल देखने मिले। फिर आप इधर से लैंग्वेज, मतलब आपका कंट्री सेलेक्ट करना चाहते हो वो भी कंट्री सेलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल के लिए चाइनीज़ और इंग्लिश दोनों अवेलेबल है, आने वाला समय में हिंदी भी ऐड हो सकता है। तो आपके हिसाब से सेलेक्ट कीजिए, होने बाद आपके हिसाब से जो स्टोरी चाहिए, आपके हिसाब से जो जैसा चाहिए ऐसा, आप कितना चाहिए उतना आप स्टोरी जनरेट करना चाहते हो जो जनरेट कर सकते हो। तो मेरे को अभी फिलहाल के लिए एक ही फ़ोटो चाहिए, तो एक ही फ़ोटो लेता हूँ। होने बाद आपके हिसाब से सेलेक्ट करके वो सब कुछ आपके हिसाब से सेटअप करके नेक्स्ट ऑप्शन पर मैं क्लिक करता हूँ। आपके हिसाब से सेलेक्ट करके आप भी नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद देख सकते हो इस तरह से आ गया, देख सकते हो फोटो इस तरह से आ गया। आपके हिसाब से इधर देख सकते हो जूम इन और जूम आउट करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, देख सकते हो जूम इन और जूम आउट कर सकते हो। बाद में होने के बाद देख सकते हो आपको इधर देखने मिलेगा टेक्स्ट, सिंपल में टेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, ये टेक्स्ट बॉक्स। तो सिंपल में आप इधर टेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करने में देख सकते हो इधर आ गया देखने को मिलेगा। तो सिंपल में आप इधर कुछ भी टाइप करके लिखना चाहते हो, सिंपल में आप इधर जो भी लिखना चाहते हो सिंपल में लिख सकते हो। बाद आप जो भी टेक्स्ट लिखे उसका साइज आप इधर से सेलेक्ट कर सकते हो जितना चाहिए। देख सकते हो अभी 14 का साइज टेक्स्ट है, मैं 24 का करता हूँ तो ऑटोमेटिकली बड़ा होता है। तो सिंपल में इस तरह से बड़ा कर सकते हो, छोटा कर सकते हो। होने बाद देख सकते हो इधर ऑप्शन देखने मिले सिंपल में टेम्पलेट, तो टेम्पलेट ऑप्शन पर मैं क्लिक करता हूँ। टेम्पलेट ऑप्शन पर क्लिक करने में देख सकते हो अलग अलग आपको टेम्पलेट देखने मिलेगा, तो आपके हिसाब से जो आपको टेम्पलेट चाहिए सिंपल में टेम्पलेट सेलेक्ट कर सकते हो। और देख सकते हो इधर ऑप्शन देखने मिले, इस ऑप्शन पर सिंपल में क्लिक कीजिए। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप उस फोटो पे कुछ भी स्टोरी लिखना चाहते हो या कॉमेडी फनी या कुछ भी लिखना चाहते हो सिंपल में कोई भी एक आप लिखना चाहते हो सिंपल में ले। देख सकते हो टेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप स्टाइल्स भी इधर से चेंज करना चाहते हो वो भी चेंज कर सकते हो। प्रॉम्प्ट भी आप चेंज करना चाहते हो सिंपल में इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप प्रॉम्प्ट भी चेंज करना चाहते हो वो भी चेंज कर सकते हो। देख सकते हो जैसा चाहिए वैसा प्रॉम्प्ट लिखना चाहते हो वो भी लिख सकते हो। सिंपल में आपके हिसाब से सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि मोबाइल में थोड़ा दिक्कत होता है, तो आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है तो सिंपल में इस तरह से आप कुछ भी लिखना चाहते हो वो भी लिख सकते हो। स्टोरी ऐड करना चाहते हो ऐड कर सकते हो। देख सकते हो आपके हिसाब से जो भी आपको सेलेक्ट करना है वो सेलेक्ट कीजिए। आपके हिसाब से जो जो आपको चाहिए तो सिंपल में सेलेक्ट कीजिए, या आपको और इमेज ऐड करना है तो सिंपल में न्यू पेज पर क्लिक करके और इमेज भी ऐड कर सकते हो। होने बाद आप इसको डाउनलोड करना चाहते हो तो भी इधर एक ऑप्शन देखने मिले, इधर से भी डाउनलोड कर सकते हो, या आप इसको इस ऑप्शन पर क्लिक करके
आप इधर से सेव करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो, इधर से भी कर सकते हो। तो चलिए मैं डाउनलोड करता है तो होता है कि नहीं देखेंगे। डाउनलोड ऑप्शन पर मैं क्लिक किया तो थोड़ा वेट कीजिए कि सही तरीके से डाउनलोड होता है कि नहीं। देख सकते हो डाउनलोड ऑलरेडी होगा, तो आप इस तरह से डाउनलोड करना चाहते हो डाउनलोड कर सकते हो। देख सकते हो आपका इमेज पूरा जनरेट होकर आएगा। तो आप इतना क्रिएट है तो आपको जितना चाहिए उतना इमेज जनरेट करके ले सकते हो। तो आशा करता हूँ कि आपको इस तरह से आप इमेज एक जनरेट कर सकते हो। ये मोबाइल में सही तरीके से यूज़ नहीं था टूल, तो आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप होते सही तरीके से यूज़ आसानी में कर सकते हो, क्योंकि मोबाइल में थोड़ा दिक्कत होता है। तो आपका लैपटॉप या कंप्यूटर है तो आप आसानी में इस तरह से यूज़ कर सकते हो। तो आशा करता हूँ कि इस टूल के बारे में आपको इतना ही था, तो आशा करता हूँ कि पता चल गया होगा। हे जनता, आपको पता चल गया होगा किस तरह से आप एक इमेज जनरेट कर सकते हो, फिर आप सिंपल में वन क्लिक में इमेज स्टोरी भी जनरेट कर सकते हो। आशा करता हूँ कि सब कुछ इस वीडियो के मदद से सब कुछ आपको सीखने के लिए मिल गया, फिर जानने के लिए मिल गया। तो आपको इस वीडियो के मदद से मतलब इस वीडियो के मदद से आपको कुछ भी इस AI टूल के बारे में पूरा जानकारी आपको पता चल गया तो प्यारा से एक लाइक कर सकते हो। फिर ऐसा ही मजेदार टिप्स एंड ट्रिक्स आपको रेगुलर मिलता रहना चाहिए तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आया, इस टूल के बारे में कुछ भी थोड़ा डाउट है या कुछ भी नहीं समझ में है तो नीचे जाके प्यारा सा कमेंट कर सकते हो। इस टूल के लिए फिलहाल के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।